Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the asexual reproduction in cladophora. Last video में हमने vegetative reproduction देखा था cladophora में, और इस video में हम इसका asexual reproduction देखेंगे. Okay? It takes place by the following methods. अब ये जो asexual reproduction होता है cladophora में, वो कुछ methods के through होता है, जिसमें first आता है by akinates. ओके, अब अकाइनेट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको नॉस्टॉक में. अकाइनेट्स कैसे होते हैं? एक तरह से रस्टिंग स्पोर्स टाइप सेल्स होते हैं जो फिल्ड होते हैं पूरी तरह से फूड से, दैट इज रिजर्व फूड से, फूड को रिजर्व करके रखते हैं सेल्स में. ओके, तो अब क्लेडोफोरा में क्या होता है? इन सम फ्रेश वाटर स्पीशीज ऑफ क्लेडोफोरा सर्टेन सेल्स ऑफ इरेक्ट फिलामेंट्स बिकम लेडन विद फूड मटेरियल एंड सीक्रेट थिक वॉल्स. अब फ्रेश वाटर स्पीशीज जो होती है क्लेडोफोरा की, उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इरेक्ट फिलामेंट्स पे, उसके फिलामेंट्स में फूड मटेरियल रिजर्व करके रखते हैं, उससे लेडन हो जाते हैं और सिक्रीट करते हैं थिक वॉल्स, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स वॉल सिक्रीट करते हैं और फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं. दे बिकम पियर शेप्ड. पियर शेप्ड क्या हो जाते हैं? जिस टाइप से क्लैमिडोमोनास वॉलबॉक्स की शेप होती है उस टाइप की, उसे हम पियर शेप्ड कहते हैं. तो ये जो सेल्स होते हैं जो फूड मटेरियल को रिजर्व करके रख रहे हैं, वो पियर शेप्ड बन जाते हैं एंड फंक्शन एज अकाइनेट्स, और अकाइनेट्स की तरह फंक्शन करते हैं. बट अनलाइक अकाइनेट्स टू अदर एल्गे, दीज थिक वॉल्ड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स विदाउट बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द फिलामेंट्स. बट दूसरे अकाइनेट्स की तरह ये नहीं होते, जैसे कि दूसरे एल्गे में होता है, ये वैसे नहीं करते. ये क्या करते हैं? दीज थिक वॉल्ड सेल्स, ये जो थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होकर के न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं विदाउट बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द फिलामेंट्स. फिलामेंट से डिटैच हुए बिना, वो फिलामेंट से डिटैच होना, इट मींस अलग हुए, सेपरेट हुए बिना ही ये न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं बाय द डिवीजन. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट बाय अकाइनेट्स. देन सेकेंड है बाय ज़ूस्पोर्स. रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स इज कॉमन इन स्पीशीज लाइक क्लैमिडोमोनास ग्लोमरेटा, क्लैमिडोमोनास क्रिस्पाटा एटसेट्रा. अब ये कुछ स्पीशीज है जिनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू बहुत कॉमन है. द ज़ूस्पोर्स में भी बाईफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट. अब इनमें क्लेडोफोरा में जो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं, वो बाईफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं और क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं. इट मीन्स इनमें टू फ्लैजिला भी हो सकता है और फोर फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं. देन यूजुअली द टर्मिनल और सब टर्मिनल सेल्स ऑफ द ग्रोइंग डिप्लॉयड फिलामेंट फंक्शन एज ज़ूस्पोरेंजियम. अब कभी कभी क्या होता है कि जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, जो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करते हैं, कौन? जो डिप्लॉयड फिलामेंट के जो टर्मिनल सेल्स होते हैं, टर्मिनल मीन्स सबसे पॉइंटेड, जो सबसे टर्मिनल पॉइंट पर, सबसे लास्ट पॉइंट पर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनल सेल्स बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट. और सब टर्मिनल सेल्स होते हैं वो ग्रोइंग डिप्लॉयड फिलामेंट. फिलामेंट डिप्लॉयड नेचर का होता है, फिलामेंट की प्लॉयडी डिप्लॉयड होती है, तो डिप्लॉयड फिलामेंट के वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह फंक्शन करते हैं. इनिशियली द न्यूक्लियाई ऑफ द ज़ूस्पोरेंजियम डिवाइड रिपीटेडली. अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ज़ूस्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली. दीज डिविजन्स आर यूजुअली मियोटिक. और ये सारे जो डिविजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मियोटिक होते हैं, क्योंकि मियोटिक डिविजन होंगे तभी तो डिप्लॉयड फिलामेंट में मियोटिक डिविजन होने पर ही हैप्लॉयड ज़ूस्पोर्स क्रिएट होंगे, एक्सेप्ट क्लेडोफोरा ग्लोमरेटा. ग्लोमरेटा में मियोटिक डिविजन नहीं होता है, माइटोटिक डिविजन होता है. ओके, फॉलोइंग न्यूक्लियेट डिविजन्स द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ज़ूस्पोरेंजियम ऑल्सो डिवाइड्स एंड मैनी यूनि न्यूक्लियेट सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड. अब फॉलोइंग न्यूक्लियर डिविजन्स, इतने सारे न्यूक्लियर डिविजन होने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है ज़ूस्पोरेंजियम का, वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे यूनि न्यूक्लियेट सेगमेंट्स फॉर्म करता है. ओके, ईच सेगमेंट इवेंचुअली फॉर्म्स अ बाई और क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स. और ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट जो प्रोटोप्लास्ट का डिविजन हुआ और उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स बने, उसमें से हर एक सेगमेंट बाई और क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स फॉर्म करता है. इट मीन्स उनमें टू फ्लैजिला हो सकते हैं या फोर फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं. द ज़ूस्पोर्स एस्केप थ्रू
a spore at the distal end of the sporangium. अब sporangium का जो last distal end होता है, उसमें से जो zoospores होते हैं, वो escape हो जाते हैं, it means बाहर आ जाते हैं. They swim freely for some times, then lose their flagella and become attached to the substratum by their anterior ends. अब क्या होते हैं, जितने भी zoospores escape out हो गए, उस spore से बाहर आ गए, तो वो freely swim करके अपने फ्लैजिला लूज कर देते हैं. फ्लैजिला लूज इट मींस जो फ्लैजिला प्रेजेंट होने पर वो मोटाइल है, अब वो नॉन मोटाइल हो गए और फिर अटैच्ड हो जाते हैं सबस्ट्रेटम पे. तो सबस्ट्रेटम किसका, क्लेडोफोरा की स्पीशीज का सबस्ट्रेटम होगा, उसी पर ही वो अटैच्ड हो जाते हैं उनके एंटीरियर एंड से. अभी हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में बताऊंगी, जैसे कि ये एक है ज़ूस्पोर, तो ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड. तो ये एंटीरियर एंड से इस एंड से सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड हो जाता है. ओके, एंटीरियर एंड्स दे फॉर्म डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फिलामेंट्स, और उसके बाद वो उनकी प्लॉइडी के अकॉर्डिंग डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फिलामेंट्स क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि दिस इज द डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सबस्ट्रेटम है एंड दिस इज मैच्योर क्लेडोफोरा, मैच्योर फिलामेंट. ये यंग फिलामेंट है जो हैप्लॉइड नेचर का है, जिसमें जिसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट्स क्रिएट हो रहे, दैट इज स्पोरेंजियम. अपने क्या, हमने क्या देखा था कि फिलामेंट का जो टर्मिनल और सब टर्मिनल जो एरिया होगा वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करेगा. तो ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, वो स्पोरोफिटिक फिलामेंट बन रहा है, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, जो स्पोरेंजियम क्रिएट कर रहा है, स्पोरेंजियम फॉर्म हो रहा है. इनमें मियोसिस होने पर ज़ूस्पोरेंजियम क्रिएट होता है और ज़ूस्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं. ओके, एंड यहाँ ध्यान से आप देखो तो इट इज स्पोर, इस स्पोर से ही सारे ज़ूस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, और ये रहा सिंगल हमारा ज़ूस्पोर, जिसमें दीज आर फ्लैजिला, दीज आर आई स्पॉट्स एंड इट इज न्यूक्लियस, और ये एंटीरियरली एंटीरियर पॉइंट से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएगा. और जब अटैच्ड होगा तो वापस से ये लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती रहेगी. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक, दैट वॉज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लेडोफोरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.